सपा ने परिवारवाद की परंपरा को बढ़ाया आगे। सपा की तीसरी पीढ़ी की राजनीति में हुई एंट्री। राजनीति में उतरी अखिलेश यादव की बेटी अदिति। माँ के बाद अब पिता अखिलेश संग नजर आई अदिति। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भारत की राजनीति में परिवारवाद कितना है, इससे तो हर कोई वाकिफ है। देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस रोग से अछूती नहीं है। फिर चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या भाजपा हो या फिर सपा, सभी पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस में नेहरू से संभाली आ रही राजनीतिक विरासत को आज राहुल गांधी संभाल रहे हैं, तो वहीं सपा में मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव। वहीं अब कहा जा रहा है कि सपा में तीसरी पीढ़ी की भी राजनीति में एंट्री हो गई है। जी हाँ, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बेटी अदिति यादव राजनीति में उतर गई। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अदिति अपनी मां के साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखी थी, जिसके बाद से चर्चाएं थी कि वो भी अपने माता पिता की तरह की ही राजनीति में अपना हाथ आजमाने वाली है और हो भी ऐसा ही रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते दिन यानी कि 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ इंडी गठबंधन के कई नेता भी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संजय सिंह समेत कई अन्य नेताओं से बातचीत करते नजर आए, लेकिन वहां की एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींच लिया। जी हां, समारोह में अखिलेश के साथ उनकी बेटी अदिति यादव और बेटा अर्जुन यादव भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस समारोह की कई तस्वीरें भी साझा की हैं। इन तस्वीरों की खूब चर्चा भी हो रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि देश भर के राजनेता और गणमान्य अतिथि शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अगल बगल बैठे नजर आए। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ उनकी बेटी और बेटे को भी देखा जा सकता है। इससे पहले भी अदिति को राजनीतिक कार्यक्रम में देखा जा चुका है। इन तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि सपा की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में एंट्री करने को तैयार है। वहीं अखिलेश यादव अपने बच्चों को राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सबसे पहले सफाई परिवार से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की दुनिया में एंट्री मारी थी। उसके बाद उनके भाई शिवपाल और राम गोपाल यादव ने कदम रखा। फिर दूसरी पीढ़ी यानी अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव ने राजनीति में किस्मत आजमाई। इनके बाद मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव आई। मुलायम की तीसरी पीढ़ी के तौर पर तेज प्रताप भी आए और अब अखिलेश के बच्चे भी पूरी तरीके से अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं और इस परिवारवाद की परंपरा को भी आगे ले जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।